चेरिस ओएस का न्यू अपडेट आ गया है पोको F1 के लिए। चेरिस ओएस 4.7 का भी कुछ दिन पहले किया था, वाई बटन पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी टाइम के बाद न्यू अपडेट मिला था उसका, और अभी उसका सेकंड अपडेट भी देखने को मिल गया है चेरिस ओएस का 4.7.5 का। तो अब इसमें ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन जो भी चेंजेस हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि ये चेरिस ओएस का 4.7.5 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच हालांकि सेम ही है अप्रैल 2023 का कर्नल, लेकिन कवाई 1.1 अब मिलता है। पिछले में सिल्वर कोर का 10.20 था। बाकी सेलेनेक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है, और वाईफाई एंड नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कनेक्टेड डिवाइसेस भी पूरा सेम रहेगा। कास्ट वर्किंग है हालांकि हमारा, बट यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। चेरिस सेटिंग्स के अंदर स्टेटस बार में चेंज हुआ है कि अब यहाँ पे जो क्लॉक का बैकग्राउंड है, पहले ऑन ऑफ करने के लिए नॉर्मल टॉगल था, अब यहाँ पे जो है आपको इस तरीके के ऑप्शंस कलर के दे दिए गए, यानी कि आपको सॉलिड यहाँ पे ग्रेडियंट कलर चाहिए तो वो आप यूज़ कर पाओगे। आउटलाइन वाला चाहिए तो आउटलाइन वाला भी मिलता है, और एक सॉलिड कलर जो नॉर्मल पहले हुआ करता था वो आपको मिल जाता था। यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा एक तरीके से ऑप्शंस मिल गए इस तरीके के, जो कि पहले ऐसे नहीं था, सिर्फ नॉर्मल ऑन ऑफ करने का दिया हुआ था, लेकिन अब आउटलाइन वाला भी आप चाहो तो यहाँ से इनेबल कर पाओगे। तो एक चेंज तो आपको यहाँ पे क्लॉक बैकग्राउंड के लिए ये मिल जाता है, ये दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे स्टेटस बार में और कोई भी चेंजेस हमें इसके अंदर नहीं मिलते, जितने भी ऑप्शन हैं सब पहले वाले हैं। हाँ, क्विक सेटिंग्स के अंदर एक चेंज यहाँ पे भी मिलता है कि हेडर इमेज अब जैसे कि सभी लेटेस्ट डिवाइस रोम्स के अंदर ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड कर दिया कि इस तरीके से जो है हेडर इमेज अब आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। 11 हेडर इमेज देखने को मिल जाती है। एंड थीम्स के अंदर में इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ। मोनेट पिछले में ऐड हुआ था, आपको ऑलरेडी बताया था, बट और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। बटन्स पूरी तरीके से हमारा सेम टू सेम मिल जाते हैं, यानी कि जेस्चर या नेविगेशन बटन की बात करें तो ये पूरा सेम रहेगा। इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एनिमेशन हालांकि सेम ही है। लॉक्सिन भी में भी लॉक्सिन के अंदर भी इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। रिपल इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। पावर मेन्यू सेम है। नोटिफिकेशन ये भी जो है हमारा पूरा सेम मिल जाता है। इसके अंदर भी इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। बट मिसलेनियस के अंदर पहले स्मार्ट चार्जिंग के नीचे ऐप लॉक हुआ करता था, जो कि यहाँ से रिमूव कर दिया गया, अब आपको सिर्फ सिक्योरिटी ऐप पे मिलेगा। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे पैरेलल स्पेस न्यू ऐड किया गया, बट इसके अंदर प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम शायद तक वनीला बिल्ड वालों को प्रॉब्लम ना देखने को मिले, क्योंकि वनीला बिल्ड में आपको पिक्सल एक्सपीरियंस का लॉन्चर नहीं मिलेगा, उस पर आपको लॉन्चर 3 मिलेगा, उस पर कस्टमाइजेशन काफ़ी रहता है, उसके अंदर भी शायद पैरेलल स्पेस मिल जाए वो आपका अच्छे से काम कर जाए। बट यहाँ पे जो ऐड किया गया है ये जेएप्स इंक्लूडेड वाले में ज़्यादातर में 7 तक चांस है कि ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑन करने के बाद स्क्रीन ब्लिंक करी जैसे होम स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी फिलहाल इसे ऑफ ही रखें, आगे जब भी फिक्स होता है मैं आगे आपको बता दूंगा। बट ये न्यू ऐड हुआ, लेकिन प्रॉब्लम अभी हमें देखने की इसके अंदर मिल रही है। तो आप देख सकते हो नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ऑन करने के बाद स्क्रीन ब्लिंक करनी लग जाती है। तो अगर वनीला आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपका काम कर रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट यहाँ पे जीएप्स इंक्लूडेड के अंदर हमें जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिली, और इस पर दोनों बिल्ड जैसे कि देखने को मिल जाते, पहले जीएप्स इंक्लूडेड था। एंड डिस्प्ले के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्प्ले पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ इस अपडेट के अंदर में, पूरी तरीके से सेम रहेगा। और वॉलपेपर स्टाइल भी हमारा पूरा सेम ही है, हालांकि जो मैं जो वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे हमें इसी की तरह दे दूंगा। और एक चीज़ है, इसके ऐप्स के अंदर ऐड कर दिया गया, इस पर ऐप बिहेवियर के लिए यहाँ पे ऐड किया गया। यहाँ पे आप देखोगे तो टास्क मोड आपके रीसेंट के लिए है कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपने रीसेंट को ऐप जो ओपन रहते हैं उनको क्लोज कर सकते हो यहाँ पे इनेबल करके, या फिर फोर्स वाला भी दिया गया ओवरराइड। यहाँ पे ऐप बिहेवियर मिल जाता है, इसको भी आप चूज़ कर पाओगे जिससे आपके ऐप भी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। बट इसको जब भी आप ऑन ऑफ या कुछ भी चेंजेस करते हो डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना। बाकी आपका असिस्टेंट वर्किंग है। एंड गेम स्पेस पहले वाले रहेगा, लॉन्चर जैसे कि जेप्सन क्लोड में हमें पिक्सल लॉन्चर ही मिलता है तो वही यहाँ पे रहने वाला है। और इसके अंदर यहाँ पे बैटरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, कि बैटरी सेटिंग भी पूरी आपकी सेम टू सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं हुआ है। वहीं बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% मिला है, पिछले में 88 था। तो हल्का फुल्का ज़रूर आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगी बैटरी में पिछले अपडेट के मुकाबले। बाकी साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, साउंड एंड वाइब्रेशन पूरा का पूरा आपका सेम रहेगा। एमआई साउंड सेंसर काम करता है। और फिर नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी है, जिसमें अब ऐप लॉक यहाँ बाहर मिलता है, पहले मोर सिक्योरिटी के अंदर मिलता था। हालांकि रोम जो है इनक्रिप्टेड आता, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ, बट ऐप लॉक अब हमें बाहर मिलता है। और इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, ऐप लॉक के अंदर में भी एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, किसी भी ऐप के अंदर हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे जो है इसके ऐप का जो सेटिंग्स है ये पहले नहीं देखने को मिलता था, डायरेक्ट यहाँ भी इस वाली सेटिंग्स पे बैक हो जाता था हर बार, लेकिन अभी ओपन हो रहा है। हाइड भी आप यहीं से ऐप को कर पाओगे, और सिस्टम एप्लीकेशन तो सपोर्टेड पहले भी मिलता था, बट ये प्रॉब्लम जो है अभी फिलहाल फिक्स हो गई है। और फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर, रिपल इफेक्ट में ऑफ करके रखा, और फेस अनलॉक जैसे कि आईआर फेस अनलॉक मिलता है तो अच्छे तरीके से काम कर, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे फिर यहाँ पे सिस्टम की तरफ हमारा जो जेस्चर का सेक्शन है ये पूरा सेम रहेगा, एक भी चेंज नहीं हुआ है। अपडेटर यहाँ पे मिल जाएगा,
OTA अपडेट जीप्स इंक्लूडेड वाले को मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका हाइड नोच डेवलपर ऑप्शन पे मिलेगा ही। और अगर बात करें यहाँ पे QS पैनल के बारे में, तो यहाँ पे जो है हल्का फुल्का आपको जिटर मिलता है, काफ़ी लाइट से रहता है नॉर्मल में अगर हम देखें तो। बाकी टाइल्स कोई भी न्यू ऐड नहीं हुआ है, टाइल्स आपके पहले वाले रहेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स हमें सेम मिल जाती, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हल्का सा आपका लैग बढ़ता है, बिल्कुल खतरनाक तो नहीं बढ़ेगा लेकिन हल्का सा यहाँ पे लैग बढ़ जाता है। मे बी आप कर्नल चेंज करोगे तो ज़रूर ये चीज़ फिक्स हो जाएगा, जैसे कि नो ग्रेविटी कर्नल हो गया, इन सब के साथ थोड़ा सा बेटर हो जाता है, उसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। बट यहाँ पे जो है अभी डिफॉल्ट में थोड़ा जिटर रहता है। बाकी वॉल्यूम पैनल सेम है। ऐप ओपनिंग की अगर बात करें तो ये आपका अच्छा रहेगा, ऐप ओपनिंग में हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई चेंज भी नहीं है। और यहाँ पे अब बात करते हैं हम कैमरे के बारे में, तो कैमरा अपर्चर का ही रहेगा, सेम कैमरा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और GCam मैनुअली आप इंस्टॉल कर लेना, अगर आप यूज़ करना चाहो वो आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पहले हमें मिलता था, तो उसी तरीके से ये रहेगा। और FM का, जैसे कि FM मिल जाता है, FM काम कर रहा है इसके अंदर में। और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज पहले की तरह ही मिल जाएगा, तो इन सब में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सभी वीडियो में बता देता हूँ, हमेशा काफ़ी लोग न्यू जुड़ते हैं तो उनको भी पता थोड़ा चल जाया करेगा। और अब यहाँ पे जो है अब हम बात करते हैं प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड आता है, यानी कि आप विदाउट रूट आराम से बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और स्क्रीन पे होल्ड करोगे तो वॉलपेपर स्टाइल का इस तरीके से रीसेंट इमेज भी मिलेगा। और कॉलिंग के अंदर जैसे कि कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग भी वर्किंग है, सेटिंग्स इनेबल कर लेना। बाकी इसके अंदर हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बिल्कुल वर्किंग है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी भी हमें देखने को नहीं मिलता, और ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम करता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। एंटूटू स्कोर 3,90,000 हमें इस बार देखने को मिला, पिछले में 4,13,000 देखने को मिला था। और इसके अंदर जो CPU थ्रोट रेट है 90% मिला है, और जीप स्कोर पहले भी अच्छा नहीं दिखाता था, सही नहीं दिखाता था, और अभी भी सही नहीं दिखा रहा है। बाकी पिछले का जो CPU थ्रोट रेट था 83% देखने को मिला था, इस बार 90% हमें देखने को मिला है। और Geekbench स्कोर इस बार सिंगल में 562 है और मल्टी के अंदर 1949 है, पिछले में सिंगल स्कोर 511 था और मल्टी के अंदर 1925 जो है देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके का स्कोर जो है ये मिल जाता है। हालांकि इसके गेम स्पेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, गेम स्पेस आपका पहले जैसे रहेगा, पहले वाली पूरी A to Z सेटिंग्स मिल जाती हैं, और ग्राफिक भी आपको वही पहले की तरह ही देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो है आपका स्मूथ पेन एंड पेस अनलॉक मिलता है, बट हमारे काम का है नहीं, हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम तक ही खेल पाएंगे। और गेमिंग के अंदर एक चीज और आपको पिछले में बताते कि पिछले अपडेट में जो है थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स जो है स्लो देखने को मिला था। अभी बिल्कुल 100% तो फिक्स मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ पहले से काफी हद तक फिक्स हो चुका है, पहले से अब आपको काफी बेटर, थोड़ा नहीं काफी ही बेटर अब आपको पहले से देखने को मिल जाता है। तो एक इंप्रूवमेंट आपको जरूर इसके अंदर मिलेगा। कर्नल भी उससे चेंज हुआ है, तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे ये फिक्स हुआ इस अपडेट के अंदर में। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको हल्का फुल्का सिमिलर से मिलेगी, यानी कि ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, हल्का फुल्का कह सकता हूँ, बट ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, पहले जैसी रहेगी। बट टच रिस्पॉन्स जो गेमिंग के अंदर खास करता, बाकी जगह तो ठीक था, लेकिन गेमिंग के अंदर थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स का इशू जरूर था, वो चीज़ यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, फिक्स हुआ है, पहले से काफ़ी हद तक अब फिक्स हो चुका है। यही सारे चेंजेस थे, बाकी गेमिंग आपको वही ठीक ठाक पहले जैसी मिलेगी। तो यही चेंजेस थे जो कि हमें इस अपडेट में देखने को मिल जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।